हाँ जी, तो अभी तक जो हमने डिस्कशन करा था वो करा था पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड में कंटेंट्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है, और हमेशा ये एडवाइजेबल है कि रिटन एग्रीमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बेस पे हमारा आने वाला प्रैक्टिकल कनेक्ट है, चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इवन चैप्टर नंबर फिफ्थ भी। तो हम जितने भी चैप्टर्स करेंगे इस पोर्शन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी रहेगी। मैं ये चीज तो जस्ट 5 मिनट बाद में समझाऊंगा, उससे पहले इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। नेचर ऑफ पार्टनरशिप प्रैक्टिकली क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना। बच्चों को नॉर्मलाइज की नॉलेज नहीं होती है इसमें, कहीं ना कहीं मैं 11th क्लास के बिजनेस मैनेजमेंट की हेल्प लूंगा। पार्टनरशिप का नेचर कैसा, नेचर का मतलब, नेचर का मतलब यहां पर यह है कि क्या पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग है या एक है। सब अलग और एक का मतलब क्या है, अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों अलग होते हैं। आपने 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा होगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कुछ याद आ रहा है? 11th क्लास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने जब पढ़े थे तो उसमें एक कंसेप्ट था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, वो तुम्हें क्या सिखाता था, तू अलग मैं अलग। आई थिंक कुछ पुरानी मेमोरीज याद आ रही होगी, तू अलग मैं अलग। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और फर्म दोनों अलग हैं। और आज एक और अच्छी बात सीख लो कि हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में फर्म की अकाउंटिंग सीखेंगे ना कि पार्टनर्स की अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग किसके लिए करनी है, पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है, और हम अकाउंटिंग किसकी करने जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म की। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को एक ही माना गया है, दोनों अलग नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल दे दूं, आपने जब पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़े हो तो उन फीचर्स में एक फीचर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सर मतलब अगर फर्म अपनी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं चुका पाई तो उस लायबिलिटी का पेमेंट कौन चुकाएगा, पार्टनर्स पर्सनली अपने घर की पर्सनल असेट्स को बेचकर फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। रीजन जानते हो, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को एक ही माना गया है, किसको, पार्टनर्स को और फर्म को। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई होता है, क्या पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या, तो आप बोलोगे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग है लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक है। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ढंग से सुनना, बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं, एक एक चीज ढंग से समझना, इसके बेस पे हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। और हमारा जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं इसके कुछ आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। इन एब्सेंस ऑफ डीड, एब्सेंस का मतलब है डीड है नहीं, अपना पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, या फिर इफ डीड इज साइलेंट ऑन सर्टेन पॉइंट, मतलब सर डीड तो बनाई लेकिन डीड में कुछ बातों के बारे में लिखना भूल गए। जैसे हमने डीड बनाई, डीड में हमने आईसी बारे में लिख दिया, आईयूटी बारे में लिख दिया, लेकिन हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा ही नहीं कि प्रॉफिट कैसे बांटना है। इसको बोलते हैं इफ द डीड इज साइलेंट, मतलब डीड है तो सही लेकिन पीएसआर को लिखे साइलेंट है। हाँ, सर्टेन पॉइंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, पीएसआर, आईयूसी, आईओडी, कुछ भी, मतलब एग्जांपल दिया। तो अगर डीड नहीं है तो बोलेंगे एब्सेंस, और डीड है लेकिन किसी बात पे वो साइलेंट है, उस बात पे उसने कुछ नहीं लिखा, तो डीड इज साइलेंट ऑन सर्टेन पॉइंट। अब एक फटाफट छोटी सी स्टोरी और छोटा सा गेम खेलने वाले हैं, ढंग से सुनना। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई या बनाई गई और कुछ बातों पे नहीं लिखा गया तो हमें कहां पे जाना है, हमें किसे रेफर करना है, तो रास्ता ढूंढ लो, हमें जाना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पास। अगर डीड नहीं है या फिर है लेकिन कुछ बातों पे साइलेंट है तो हमें पार्टनरशिप डीड के पास जाना है।
और पार्टनरशिप ग्रीड में क्या है प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब रूल्स टाइप समझ सकते हो प्रोविजंस। तो अगर डीड नहीं है और डीड है और कुछ बातों पे साइलेंट है तो उस केस में हमें किसको रेफर करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस पर। मैंने कुछ पांच बातों पे समझाना चाहा, समझना क्या क्या है। अगर मान लो डीड नहीं है और डीड है लेकिन पीएसआर के लिए लिखना भूल गए तो हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट को बराबर बांटा जाएगा। मैंने केवल वर्ड प्रॉफिट बोला, आगे जोड़ दूं लॉस को भी, भले वर्ड है पीएसआर, कभी एलएसआर नहीं होता, ये नहीं बोलूंगा लॉस शेयरिंग रेशियो। थोड़ी बुद्धि लगाना कि अगर मान लो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं और हम क्या लिखते हैं लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2, अरे बड़े आदमी जब तो बिजनेस ही लॉस के हिसाब से कर रहा है तो बिजनेस कर ही क्यों रहा है। इंसान बिजनेस किसलिए करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। आपने सुना होगा मैंने बहुत बार बोला है प्रॉफिट को अर्न करा जाता है और लॉस तो हो जाता है, दैट इज लॉस इनकर्ड। तो कभी इंसान एलएसआर नहीं लेगा, इंसान पीएसआर नहीं लेगा, लेकिन इट इंप्लाइड कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें उस रेशियो में। तो अगर पीएसआर को लेके हमने कुछ भी डिसाइड नहीं करा तो हमेशा प्रॉफिट कैसे बांटना है, इक्वली। इक्वली मतलब तीन पार्टनर है, 1:1:1, चार है 1:1:1:1। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो हमने डीड बनाई है या डीड बनाई है और सबके बारे में लिखा लेकिन आईओसी के बारे में नहीं लिखा, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है भैया कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। मेरे वर्ड पे ध्यान देना, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत नहीं है, अलाउड। सर आईओसी देना पड़ता है क्या? वापस मैं इस टॉपिक पर आना चाहता हूं। मैंने आपको क्या कहा था कि हम अकाउंटिंग किसकी सीख रहे हैं, फर्म की। हम अकाउंटिंग किसके लिए करना चाहते हैं, फर्म के लिए। हम पार्टनर्स के लिए अकाउंटिंग नहीं करना चाहते। तो एक बात सुनो, जब तुम फर्म की अकाउंटिंग करोगे तो फर्म के लिए सोचना कि इंटरेस्ट और कैपिटल खर्चा है या इनकम है। फर्म और पार्टनर, यह है फर्म, यह है पार्टनर। पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाया, इट्स अ कैपिटल। इस कैपिटल के बदले फर्म पार्टनर को क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, फर्म की। तो फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है तो क्या बन गया, खर्चा। और खर्चों के लिए क्या बढ़ाएगा, हमेशा अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी अलाउड। मैंने अलाउड को लिखा, वापस सुन लो, यह है फर्म, यह है पार्टनर। हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे क्योंकि हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अगर पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाया, इट्स अ कैपिटल, बदले में फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, उसका नाम क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के लिए सोचो, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, फर्म की। तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो बढ़ेगा अलाउड, ठीक है। लेकिन अगर डीड नहीं है और डीड साइलेंट है, आईओसी के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, नो नीड टू अलाउड एनी आईओसी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज्ड, चार्ज वर्ड क्यों आया, आ जाओ वापस। हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, फर्म और पार्टनर। इस बार फर्म ने पार्टनर को पैसा दिया, ड्रॉइंग कौन समझते हो, पर्सनल यूज के लिए, घर खर्च के लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए। तो अगर फर्म ने पार्टनर को पैसा दिया पर्सनल पर्पस के लिए, प्राइवेट खर्चों के लिए, तो बदले में इस बार पार्टनर फर्म को क्या देगा, इंटरेस्ट। तो अगर फर्म पार्टनर को कुछ फंड प्रोवाइड कर रही है या कोई पार्टनर फर्म से पर्सनल पर्पस के लिए पैसा ले जा रहा है या गुड्स विड्रॉ कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, उसे आप क्या बोलते हो, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग के बदले इस बार पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा, इस बार फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है तो फर्म के लिए क्या होगी, इनकम। और जब भी फर्म को इनकम होगी तो बढ़ाता है चार्ज, खर्चों के लिए क्या बढ़ाएगा, अलाउड। इसके लिए बढ़ जाएगा चार्ज। तो अगर भैया आईओडी के लिए कोई रेट डिसाइड नहीं है तो फर्म को पार्टनर से कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेना है। सैलरी कमीशन एंड रेमुनरेशन, मैं यहां पे थोड़ा फोकस करूंगा वर्ड रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मींस सैलरी प्लस कमीशन, दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, रेमुनरेशन। सेम चीज अगर पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट नहीं है,
रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है या डील बनाई लेकिन इसके बारे में नहीं लिखा, तो आपको पार्टनर्स को कोई सैलरी, कोई कमीशन और कोई रेमिशन देने की जरूरत नहीं है। अगेन फर्म सैलरी दे रही है तो फर्म निर्भर जाएगा, अल्लाह आउट। नाउ द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मान लो पार्टनर ने लोन दिया, पार्टनर लोन ले नहीं रहा फर्म से, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने लोन दिया किसको, फर्म को, तो बदले में पार्टनर क्या बोलेगा, ब्याज चाहिए, उस ब्याज को बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगर मान लो कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और उस समय वो लोग आपस में इंटरेस्ट की रेट डिसाइड ही नहीं करते हैं, तो उस केस में एक्ट बोलता है ब्याज को देना पड़ेगा। कितना परसेंट, 6% पर एनम, साल भर का 6%, 12 महीने के हिसाब से 6% इंटरेस्ट देगा। लेकिन मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, कुछ टीचर्स यहां पे एक गलत बात और सिखा देते हैं कि अगर पार्टनर फर्म से लोन ले ले तो भी 6% इंटरेस्ट। नहीं भैया, ऐसी बात पार्टनरशिप एक्ट में कहीं लिखी हुई है, अगर पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है और अगर रेट डिसाइडेड नहीं है तो एक भी रुपए का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर फर्म लोन ले रही है पार्टनर से, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो उस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देगा कौन, फर्म देगी। कितना परसेंट, 6% पर एनम, अगेन अलाउड। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट था, अगर डीड नहीं है या अगर डीड है लेकिन इन बातों पे साइलेंट है, किसी बात पे लिखना भूल गए, तो हमें प्रॉफिट को बराबर बांटना है, इवन लॉस भी काउंट हो गया। आईओसी नॉट अलाउड, आईओडी नॉट चार्ज, रीजन दे चुका हूं, सैलरी रेमिशन कमीशन नॉट अलाउड, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम अलाउड। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन वो है जो फर्म देगी किसको, पार्टनर को, क्योंकि फर्म ने पार्टनरशिप क्या लिया है, लोन लिया है। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो मेरे को आपसे डिस्कस करना था। तो आज की क्लास अल्टीमेटली पार्टनरशिप डीड से कनेक्टेड थी, हमने मिनिमम डिस्कस कर लिया, हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली, हमने कंटेंट क्या क्या आता है डीड में डिस्कस कर लिया, नेचर ऑफ पार्टनरशिप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग है, सॉरी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक है और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग है। एग्जाम में अगर नेचर आता है आपको दोनों आंसर देना है, और अगर डीड साइलेंट है या डीड है ही नहीं तो आपको इन बातों पे ध्यान रखना है। तो हमारा अगला लेक्चर इनके ऊपर कुछ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप पढ़ाई करें तो कोशिश करें कि पुराना रिवीजन करके फिर कंटिन्यू अगला लेक्चर देखें। जितनी ज्यादा बार आप लेक्चर देखोगे उतनी चीजें समझ में आना ज्यादा चालू होगी। तो जितना हो सके छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं, जितना हो सके उनको रिवाइज करें फिर नया लेक्चर देखिए, और इन सबको आप कॉपी में नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि वापस जब भी आप पढ़ेंगे तो आपके पास लिखा हुआ रहना जरूरी है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है मेरी आप लोगों से, जितना हो सके जो फ्रेंड्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर चुके हैं, जिनको पता तक नहीं है, तो उनको आप इन्फॉर्म करें, और जितना हो सके यूट्यूब चैनल को अरिहंत कॉमर्स अकेडमी व्यावर सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरे को बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है, हमें को बहुत खुशी है। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि मेरे को इतने सारे व्यूज मिल रहे हैं, इतने लाइक्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन थोड़ा सा लालच बढ़ रहा है, लालच ये बढ़ रहा है कि सब्सक्राइबर्स और बढ़े और लाइक्स आए और व्यूज बढ़े। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इन वीडियोज को शेयर करें, बहुत यूजफुल वीडियोज हैं और आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आपके फ्रेंड्स जो भी अकाउंट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर